तीसरी बार जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष पद पर काबिज हुए हैं। अभी हमारे साथ शरद जी बातचीत के लिए मौजूद हैं। बीजेपी और जेडीयू में रह रहकर बयानबाजी हो जाया करती है, कैसे देखते हैं आप इस पूरे एपिसोड को? जिन बातों पे साझा हम लोगों का साथ था वही हमने रिबलेट किया कि ये सब सवाल था, और वो आडवाणी और जॉर्ज के साथ बैठ करके, जॉर्ज साहब थे, नीतीश जी थे और हेगड़े साहब थे, इनने तय किया है। तो ये कोई नई बात नहीं है, उसको हमने फिर से याद दिलाया। बिहार के बहुत सारे बीजेपी के जो लोग हैं वो राजनाथ सिंह से मिलने के लिए आए, और आज टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी है कि कर्नाटका चुनाव के बाद बीजेपी बिहार में समर्थन वापसी पर विचार कर सकती है, नहीं, क्या कहेंगे ऐसी आप? खबरों पर हम यकीन नहीं करते। मीडिया का इतना विस्तार हो गया, कौन क्या लिख रहा है, इस पर राजनीति नहीं चलती है। वो तो एनडीए है, उसमें बैठ के तय करेंगे। तीसरे मोर्चे की संभावना को कैसे देखते हैं? नवीन पटनायक ने कहा कि तीसरा मोर्चा जो है वो बीजेपी से ज़्यादा मजबूत होगा, आप कैसे देखते नहीं, हैं? मैं मानता हूँ कि तीसरा मोर्चा अभी कोई बन नहीं रहा। अब बोलने के लिए जो बोल रहा बोले, लेकिन उसकी संभावना नहीं। अभी तो तीन ही मोर्चे हैं, यूपीए एनडीए बड़े मोर्चे हैं, और लेफ्ट भी एक तरह से पॉलिटिकल मोर्चा है। एक आखिरी सवाल, एनडीए चलता रहेगा, एनडीए एकजुट रहेगा? एनडीए तो है, था, आगे भी चलना चाहिए। जिस तरह की पहले सद्भावना रही वैसे है, सद्भावना आगे भी रहेगी, चलेगा। शरद जी का साफ मानना है कि एनडीए एकजुट है, और सब कुछ अगर ठीक रहा तो एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, हमने सिर्फ सुझाव दिया है और पुरानी बातों को याद दिलाया है। कैमरामैन अनिल खन्ना के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।